दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज की मांग को लेकर बनी 10 सदस्य कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। दरअसल ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ आज होने वाली थी। बताया ये जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से बैठक के लिए समय नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। अब ग्रामीण डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं और दरअसल यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कमेटी की मुलाकात हो, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रुस्तम जाखड़, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। रुस्तम, बातचीत अभी मंत्री जी से नहीं हो पा रही है और उप मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, महापंचायत में ये फैसला लिया गया था और 10 लोगों की जो कमेटी है वो बनाई गई थी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात के लिए। लेकिन अब सुबह जैसा कि हमें जो प्रधान हैं धर्मवीर, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से उनको मिलने का समय नहीं मिला है, तो इस वजह से जो है बैठक को रद्द कर दिया गया है। और सोमवार को केंद्रीय मंत्री रविंद्र जीत से भी मुलाकात होनी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। अब इन लोगों की सीधी मांग है कि वो अब मुलाकात केवल दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा से करेंगे और उन्हीं से मिलकर अब इस मांग को रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो धरना है वो लगातार जारी है, सुबह से ही लोग धरने पर पहुंच रहे हैं। आसपास के जो गांव हैं उन गांवों से लोग, केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं। और सीधी तौर से अभी जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी साफ तौर से वो क्लियर कर चुके हैं कि अब ना वो रविंद्र जीत से मुलाकात करेंगे ना ही किसी अन्य से मुलाकात करेंगे, अब केवल वो मुलाकात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से करेंगे। और साथ ही साथ ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि चेता दिया है उन्होंने कि अगर बुधवार तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता है तो बुधवार को जो दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे है उसके निर्माण कार्य को भी रोका जाएगा और भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। और भूख हड़ताल के लिए बाकायदा जो 80 गांव जो शामिल है इसमें बाकायदा उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी और 11-11 लोगों को करके हर रोज 11 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी अगर सरकार के साथ बातचीत नहीं होती है और कोई ठोस आश्वासन इनको नहीं मिलता है तो आगे आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां प्रशासन के सामने भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीधी चेतावनी दी जा रही है दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को रोकने की, अगर कार्य रुकता है तो इससे काफी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। जी बिल्कुल रोशन, चूंकि ये स्थिति इस विषय को लेकर ग्रामीणों की बहुत लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम से जो मांग है मिलने की, कमेटी की मुलाकात करने की जो मांग कर रहे हैं ग्रामीण की कमेटी से डिप्टी सीएम की मुलाकात हो, इसके बारे में कोई बात आगे बढ़ी है? क्या संभव है कि आज या कल में या कभी भी इस बारे में डिप्टी सीएम समय दें? जी देखिए, बिल्कुल, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हथीन से जो विधायक हैं बीजेपी के प्रवीण डागर, उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात होनी थी और उन्हीं की अगुवाई में पूरी मुलाकात आज होनी थी, लेकिन समय न मिलने के कारण वो स्थगित कर दी गई है। और अब जो डिप्टी सीएम से मुलाकात की बात कही जा रही है तो जैसा कि बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री से मिलने का समय तो अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उनसे समय लेने की जो बात है वो एक पाइपलाइन में है, उनसे बातचीत चल रही है। अब ये निश्चित नहीं हो पाया अभी कि कब तक उनको समय मिल पाएगा मिलने के लिए, जैसे ही मिलने का समय पक्का हो जाएगा उसके बाद ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस दिन वो मिलेंगे। लेकिन इस बीच धरना लगातार जारी है, लोग धरने पर आ रहे हैं, केवल लोग ही नहीं महिलाएं भी धरने पर आ रही हैं और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात को मना कर चुकी है कमेटी, रविंद्र जीत से मना कर चुकी है तो अब डिप्टी सीएम से मिलने का समय कम मिलता है और क्या डिप्टी सीएम जो किसानों की इनकी जो इंटरचेंज की मांग है इनकी मांग पर कितना ठोस आश्वासन उनको दे पाते हैं, क्योंकि ई पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर कट देने की जो पेशकश थी वो हथीन के विधायक प्रवीण डागर की तरफ से इनके सामने पहले ही की जा चुकी थी कि ई पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पे मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर कट दिया जाएगा। लेकिन जो कमेटी है उसका साफ तौर से उसने महापंचायत में कल इनकार कर दिया था कि इनको ई पोर्टल के माध्यम से
कोई कट नहीं चाहिए, बाकायदा जमीन का जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए और यहाँ पे इंटरचेंज बनना चाहिए। तो ई पोर्टल की मांग को पहले से ही ठुकरा चुके हैं, तो अगर ऐसे में डिप्टी सीएम की तरफ से भी ई पोर्टल की आश्वासन इनको दिया जाता है तो निश्चित तौर से जो कमेटी है वो उसके लिए मना करेगी, क्योंकि कमेटी के लोग चाहते हैं कि जमीन का रिक्वायरमेंट हो और मुआवजा राशि किसानों को मिले और उसके बाद यहाँ पे इंटरचेंज का जो काम है वो शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रोस्तम। और चूंकि अब मुलाकात का समय मिल पाता है या नहीं, लेकिन हाँ स्थिति आगे क्या बनेगी और क्या इंटरचेंज की जो मांग है उसके लिए स्वाभाविक रूप से क्या सहज रूप से मांग को माना जा सकेगा आने वाले वक्त में ये देखना होगा। हालांकि जो आज की मुलाकात थी पुष्पाल गुर्जर के साथ वो अभी